हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बेंगलुरु में राकेश टिकैत पर फेंकी गई स्याही, तीन जनों को लिया गया हिरासत में। कर्नाटक पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह को नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। खबर है कि कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं पर स्याही फेंकी गई। टिकैत का कहना है कि किसान नेता चंद्रशेखर के समर्थकों ने उन पर स्याही फेंकी थी। राजधानी बेंगलुरु में जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना के बाद काफी हंगामा हुआ। हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन ने जानकारी दी कि बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में टिकैत पर स्याही फेंकने के आरोप में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टिकैत और सिंह कर्नाटक के किसान नेता कोडीहल्ली चंद्रशेखर के स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े वीडियो को लेकर सफाई दे रहे थे। ये स्टिंग ऑपरेशन एक चैनल ने किया था जिसमें कोडीहल्ली पैसों की मांग करते नजर आ रहे थे। टिकैत ने स्याही हमले के आरोप राज्य सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा, यहाँ स्थानीय पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी, ये सब सरकार की मिलीभगत से हुआ है। खबर है कि दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सफाई दे रहे थे कि वे इस मामले में शामिल ही नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान नेता कोडीहल्ली के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पत्रकारों और नेताओं के बीच सवाल जवाब का दौर चल ही रहा था कि इस दौरान कुछ लोगों ने उन पर काली स्याही फेंक दी थी। जागरूक टीवी के लिए बेंगलुरु से खास रिपोर्ट।